दोस्तों, मैंने तो इसके पहले एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कैसे आप जीरो दा का अकाउंट ओपन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग नहीं देखा तो मैं आई बताऊ, मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप को देख लीजिए, आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे कैसे आप जीरो दा का अकाउंट ओपन करेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप डीमैट अकाउंट में फंड ऐड करेंगे, क्योंकि हमको जब भी कोई शेयर के खरीदना हो पड़ता है तब भी हमको डीमैट अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना पड़ता है, मनी ऐड करना पड़ता है। तो कैसे ऐड करेंगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप उस मनी से शेयर किनेंगे, शेयर बाय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे आप फंड ऐड कर रहे हैं। ऑसम चैलेंज मैं विप्लव, चलिए शुरू करता हूँ। चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप फंड ऐड करेंगे जीरोधा का एप्लीकेशन में। तो आप लोग जीरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और कैसे खोलेंगे इसका एक वीडियो बना के रखा है, आप आई बटन में डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक पा जाएंगे। तो चलिए मैं आपका जीरोधा का जो काइट एप्लीकेशन जिससे ट्रेडिंग करते हैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका आईडी दिखाएगा और आपका नेम दिखाएगा, यहाँ पर आपको पिन नंबर देके एंट्री होना पड़ेगा। तो मैं एंट्री हो जाता, एंट्री होने के बाद आपके यहाँ पर वॉच लिस्ट होम पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो। तो मैं आपको एक बार बेसिक न्यू से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। तो चलिए कैसे आप फंड ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल आईडी दिखाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फंड लिखा हुआ है, फंड के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फंड वीडियो फंड ऐड, तो हमारे यहाँ पर तो कोई फंड नहीं है तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, तो ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कितना फंड ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 1000 ऐड कर देता हूँ। वो ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए आप कैसे करेंगे, UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग, अदर्स। तो आपको मैं बोलूँगा आप UPI गूगल पे से कीजिए, नेट बैंकिंग से करेंगे तो कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। UPI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कौन कौन UPI आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर भीम UPI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। भीम सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो देखिए इस तरह का आपका पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से पिन देके एंटर होना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपका जीरोधा का जीरोधा ब्रोकर लिमिटेड दिखाएगा, 1000 रुपया आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जो बैंक का अकाउंट दिया हुआ है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जिस बैंक का अकाउंट दिया रखा है मैं उसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कॉन्फर्म दिखाएगा, कॉन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर से आपको एक बार दिखाएगा सब डिटेल्स, तो यहाँ पर सब डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पर सेंड लिखा हुआ है, सेंड के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पिन देना पड़ेगा, जो पिन आपका दिया रखा हुआ है UPI पिन। उसके बाद नीचे राइट दिखाएगा, राइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जीरोधा का अकाउंट में 1000 रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, आप जीरोधा का साइड में आ जाएंगे। उसके बाद रिफ्रेश कीजिए, उसके बाद आपका फंड ऐड हो जाने के बाद आप यहाँ पर आपका अकाउंट में आ जाइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फंड ऐड, आप जो भी करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आप फंड ऐड करेंगे, विड्रो करेंगे, जो भी करेंगे। देखिए इधर आपको फंड ऐड करेंगे कि वह फंड को आपको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फंड लिखा हुआ है, फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अपने जो टाका मनी ऐड किया है, फंड ऐड किया है, वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आप कैसे शेयर बाय करेंगे मैं दिखाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आपको जीरोधा का अकाउंट लिंक करना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, उसके आप जाके आप
उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।